जिले की सबसे बड़ी पंचायतों में शुमार धुलकोट पंचायत में कागजों पर विकास कार्य दर्शा कर लाखों रुपए आहरण करने का मामला तूल पकड़ने लगा है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने शिकायती आवेदन सौंप कर पंचायत क्षेत्र में कराए गए निर्माण कार्यों में जांच की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि प्रशासन मामले को गंभीरता से लेकर जांच कराए, अन्यथा आंदोलन को बाध्य होंगे। कलेक्ट्रेट पहुंचे दयाराम आवासे कमलेश आदि ने कलेक्टर के नाम डिप्टी कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में बताया कि पंचायत क्षेत्र में कागजों पर विकास कार्य दर्शाए गए हैं। शासन के पोर्टल पर जो काम दिखाए गए हैं वह मौके पर नहीं है। ये जानकारी जब पोर्टल पर देखी गई तो इसमें सामुदायिक शौचालय आड़ फाटा चोखंड रूपसिंह बाबा फालिया में सीसी रोड निर्माण, नया बिलवा में पुलिया निर्माण, 15 वित्त आयोग से चबूतरा निर्माण जैसे निर्माण कार्यों के नाम पर लाखों रुपए की राशि का आहरण किया जाना पाया है, जबकि ये निर्माण कार्य मौके पर कराए ही नहीं गए हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरपंच सचिव ने साठगांठ पर फर्जी विकास कार्य दर्शाने के साथ ही केंद्र सरकार की महती पीएम आवास योजना में भी भ्रष्टाचार किया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि पहले भी वे शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस मामले को प्रशासन यदि गंभीरता से नहीं लेता है तो वे उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट खिरकोट पंचायत की शिकायत करी है हमने। 15 जनवरी सोमवार के दिन कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन दिया था, उसके पश्चात हमारा 15 दिन पूरा हो गया, कोई उसका निराकरण नहीं हुआ है और कमेटी बना उसकी जांच भी नहीं हुई। और हमारे धुलकोट पंचायत में 60 लाख रुपए की स्वीकृति निकल चुकी है, उसके हम मूल्यांकन करके निकाल लिया है और जमीन पे काम कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हम इसी आश्वासन पे हम हमारे धुलकोट पंचायत में पूरा जाँच होना चाहिए और अधिकारी भी खरगोन से धुलकोट लग पूरे मिली भगत से है, इसलिए कुछ इसकी जाँच नहीं हो रही है, इसलिए हम और डबल से आवेदन दे रहे हैं, इसकी निष्पक्ष के जांच होना चाहिए। क्या नाम है? लालू राम रावत। हम लोग धुलकोट पंचायत से आए हैं जो भगवानपुरा तहसील की ग्राम पंचायत धुलकोट में भ्रष्टाचार के खिलाफ, और ये 15 जनवरी को भी हम लोग ने ये आवेदन निवेदन दे दिया, जिला पंचायत अधिकारियों को दिया, कलेक्टर महोदय को दिया, SDM साहब को दिया, लेकिन अभी तक जांच कमेटी गठित नहीं हुई है। अब हमें तो शक है कि ऊपर से नीचे से तक लगाकर सब मिली भगत है, जो कर्मचारी है जनप्रतिनिधि है सबकी मिली भगत से ये हो रहा है। हम लोग निष्पक्ष जांच चाहते हैं। जैसे पंचायत में सीसी रोड के नाम से, सामुदायिक भवन के नाम से, शौचालय के नाम से, चबूतरा के नाम से, ऐसे अनगिनत कार्यों के नाम से राशि निकाल ली गई है और काम कहीं पर भी नहीं हुआ है। आपको कैसा मालूम पड़ा? ये पोर्टल के माध्यम से काम हुआ ही नहीं और राशि निकल ली गई है। अगर जल्द से जल्द अगर जांच कमेटी गठित नहीं होती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। क्या नाम है आपका? दयाराम आवासी, जूना बिलवा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।